कैसे हो आप? आज का जो वीडियो है वो स्मार्टफोन लॉन्चिंग के ऊपर है, जो कि फरवरी में लॉन्च होने वाले स्मार्टफोन्स के ऊपर है। तो आप सोच रहे होंगे कि फरवरी में स्मार्टफोन कौन सा लॉन्च होगा, तो इसके अंदर बहुत अच्छे स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं, वो भी आपके किफायती दामों में लॉन्च होने वाले हैं दोस्तों, और आपके चाहिए प्राइस के ऊपर रहने वाले हैं, जो कि अंडर 20,000 रुपीज है। तो 20,000 रुपीज के अंदर आपको कौन से स्मार्टफोन मिलने वाले हैं उसके बारे में अपनी लिस्ट पिक की है, जिसके अंदर मैं आपको 5 स्मार्टफोन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा, जो कि मेरा पहला पिक है, जो कि है रेडमी नोट 7 प्रो। जी हाँ दोस्तों, इसके ऊपर मैं पूरा वीडियो बना चुका हूँ, मैं यहाँ पे आपको कार्ड दे दूंगा, वहाँ पे जाकर जरूर देख लेना वीडियो, काफ़ी अच्छा वीडियो बना है, उसके ऊपर मैंने पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी है और वो कवर कर देना दोस्तों। तो Redmi Note 7 Pro जो रहेगा उसके वो आपको मिलेगा 16,000 तक के प्राइस में मिलेगा, काफ़ी अच्छा दोस्तों। बेस वेरियंट जो है आपको 10,000 तक भी मिल सकता है दोस्तों। क्या रहेगा दोस्तों इसके अंदर रहेगा दोस्तों, ऑक्टाकोर प्रोसेसर रहेगा स्नैपड्रैगन का 660। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको मिलता है ड्यूअल कैमरा सेटअप, जो कि 48 मेगापिक्सल का कैमरा उसके अंदर रहेगा, प्लस 5 मेगापिक्सल का डीप सेंसिंग कैमरा उसके अंदर रहेगा। बैटरी की बात करूँ आपके साथ, तो उसके अंदर रहेगी 4000 mAh की बैटरी, जो कि काफ़ी अच्छी बैटरी रहेगी। साथ ही साथ आपको मिलता है लेटेस्ट एंड्रॉइड अपडेट, जो कि है पाई 9.0 एंड्रॉइड का। साथ ही साथ आपको मिलती है MIUI 10। और डिस्प्ले की बात करूँ आपके साथ, तो उसके अंदर मिलता है आपको वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले, जो कि उसके अंदर पूरा सेंसर्स, माइक्रोफोन, ईयरपीस और सब कुछ चीज़ें जो लगी हुई रहती है वो उसके अंदर ही होगी वाटर ड्रॉप नॉच के अंदर। तो आगे बात करना चाहता हूँ मेरे सेकंड स्मार्टफोन पिक के बारे में, जो कि है दोस्तों सैमसंग का गैलेक्सी M80। जी हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन कितने रुपए तक आएगा आपको? ये स्मार्टफोन 18,000 रुपए तक मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको मिलता है दोस्तों 6.3 इंच का वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले, जो कि एमोलेड स्क्रीन के साथ आएगा दोस्तों। इसका कलर सैचुरेशन और कलर प्रोड्यूसिबिलिटी जो रहती है एमोलेड डिस्प्ले की, वो काफ़ी अच्छी रहती है, अच्छे कलर रिप्रोड्यूस करता है और आपको जरूर पसंद आएगा दोस्तों। बात करना चाहते हो प्रोसेसर के बारे में, इसके अंदर ऑक्टाकोर प्रोसेसर लगा रहेगा, एक्सिनोस और स्नैपड्रैगन ये दोनों वेरिएंट के साथ ये स्मार्टफोन आ सकता है, और जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्सपेक्टेड है दोस्तों। इसके लिए इसके अंदर आपको क्या मिलता है कैमरे के अंदर, इधर आपको मिलता है ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाएगा दोस्तों सैमसंग के एम सीरीज में। जी हाँ दोस्तों, सैमसंग के M30 के अंदर आपको मिलता है दोस्तों 13 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल के 3 कैमरा सेटअप आपको इसके अंदर मिल जाती है। साथ साथ बात करना चाहता हूँ बैटरी के बारे में, तो इसके अंदर आपको मिलती है 5000 mAh की बहुत बड़ी बैटरी, जो कि काफ़ी अच्छी बैटरी है दोस्तों, और आपको अच्छा बैटरी बैकअप देंगी। साथ साथ आपको एक्सपीरियंस करने मिलेगी सैमसंग की यूजर इंटरफेरेंस। जी हाँ दोस्तों, अच्छा स्मार्टफोन है, 18,000 में आप इसके लुक फॉरवर्ड कर सकते हैं दोस्तों। आगे इसकी फोटो डिटेल वीडियो आने वाली है आपके लिए। आगे जाके बात करना चाहता हूँ तीसरे स्मार्टफोन के बारे में, जो कि है रियलमी का स्मार्टफोन। जी हाँ दोस्तों, रियलमी 2 और रियलमी 2 प्रो ने क्या कमाल किया आपको बताने की जरूरत नहीं है, मुझे काफ़ी अच्छे दामों में खरीदे गए स्मार्टफोन है दोस्तों ये, और अच्छे बेचे गए स्मार्टफोन है। तो रियलमी 3 प्रो जो है वो लॉन्च होने वाला है फरवरी मंथ में, जिसकी प्राइस रहने वाली है 19,000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर आपको मिलता है ऑक्टाकोर प्रोसेसर, होगी वो भी स्नैपड्रैगन का 660 के साथ। 660 का तो अभी ट्रेंडी चल रहा है दोस्तों, तो उसके अंदर आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का ऑक्टाकोर प्रोसेसर। जी हाँ दोस्तों, सबसे बात करना चाहते हो डिस्प्ले के बारे में, तो आपको वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले इसके अंदर भी मिल जाएगा दोस्तों। इसके अंदर ऑल प्रकार के सेंसर्स एंड स्पीकर फोन का जो है वो लगा रहेगा दोस्तों। और आगे जाके बात करना चाहते हो इसके कैमरे के बारे में, तो कैमरे के अंदर आपको क्या मिलता है दोस्तों? कैमरे के अंदर आपको मिलता है ड्यूअल कैमरा सेटअप, जो कि 16 प्लस 5 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप आपको इसके अंदर मिल जाएगा दोस्तों। साथ साथ बात करना चाहते हो तो आपको 4100 मेगाहर्ट्ज़ की बैटरी इसके अंदर मिल जाती है दोस्तों, जो कि काफ़ी अच्छी वर्क करती है और आपको अच्छा बैटरी बैकअप मिलेगी फुल डे ऑफ यूजेज का। आगे जाके बात करना चाहता हूँ मेरे चौथे स्मार्टफोन पिक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, चौथा स्मार्टफोन रहेगा ओप्पो का P1। जी हाँ दोस्तों, ओप्पो क्या कमाल कर चुका है आपको पता ही है दोस्तों, और उन्होंने मार्केट भी अच्छा कवर कर लिया दोस्तों, अच्छे अच्छे स्मार्टफोन लॉन्च करके, साथ ही साथ उन्होंने कोलैबोरेशन विद रियलमी के साथ अच्छा स्मार्टफोन लॉन्च करके क्या धमाल मचाई है आपको बताने की जरूरत है। तो ओप्पो K1 के अंदर क्या होगा दोस्तों? ओप्पो K1 के अंदर आपको ऑक्टाकोर प्रोसेसर मिल जाएगा स्नैपड्रैगन का, उसके साथ मिलता है आपको 6.4 इंच का वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले, जो कि अच्छे कलर सैचुरेशन प्रोड्यूस करेगा, अच्छे डिस्प्ले आपको देगा। साथ ही साथ बात करना चाहता हूँ कैमरे के बारे में, तो 16 प्लस 2 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप इसके अंदर रहेगा दोस्तों, जिसके साथ अंदर आपको मिलती है थोड़ी बैटरी कम, 3600 mAh की बैटरी आपको इसके अंदर मिल जाती है दोस्तों। तो ज़्यादा कुछ वरी करने की बात नहीं है, बैटरी बैकअप भी अच्छा रहेगा दोस्तों इसके अंदर, आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए अच्छा यूजेस रहेगा दोस्तों। आगे जाके बात करना चाहता हूँ मेरे लास्ट और पांचवें स्मार्टफोन के बारे में। अब आपको मैं चीज़ बताना चाहता हूँ दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए वीडियो को, अगर आपको पसंद है तो आपके दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो जो मेरा 5th नंबर का स्मार्टफोन है, जो कि नोकिया का 7.1 प्लस, ये दोस्तों इसकी प्राइस रहने वाली है 18,000 रुपीज़। तो उसके अंदर आपको मिलता है ऑक्टा प्रोसेसर मिलेगा दोस्तों स्नैपड्रैगन का,
साथ साथ आपको मिलता है 6.18 इंच का नॉच डिस्प्ले, इसके अंदर वाटर ड्रॉप नॉच नहीं देगी दोस्तों, इसके अंदर बड़ी नॉच देगी जो कि आईफोन 10 के अंदर आपको देखने को मिली है दोस्तों। और जिसके अंदर आपको कैमरा सेटअप मिलता है ड्यूअल कैमरा सेटअप, जो कि पहला कैमरा रहेगा वो 12 मेगापिक्सल का रहेगा और सेकेंडरी कैमरा रहेगा 13 मेगापिक्सल का, जो कि डेप्थ सेंसिंग कैमरा रहेगा दोस्तों इसके अंदर। हालांकि नोकिया नाम ही कैमरे के लिए फेमस है तो इसके अंदर अच्छा कैमरा आपको मिलेगा दोस्तों। साथ साथ बात करना चाहता हूँ बैटरी के बारे में, इसके अंदर 3500 मिली एम्पीयर की बैटरी आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएंगी दोस्तों। ये स्मार्टफोन जो है दोस्तों आपको 18000 रुपये तक मिल जाएगा दोस्तों, काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है, बहुत बड़ा स्मार्टफोन है। ये टॉप पिक्स मेरे स्मार्टफोन के थे जो कि फेब्रुवरी में लॉन्च हो सकते हैं, एक्सपेक्टेड बताए जा रहे हैं दोस्तों, और इसके ऊपर पूरा रिव्यू भी आगे आने वाले हैं दोस्तों। अगर आपको ये चैनल पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को कीजिए शेयर, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे अच्छा मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, और आगे नई नई वीडियो तो आती रहेगी आपके लिए दोस्तों। तो ठीक है, मिलते हैं अगली बार।